यार ये तो पानी गंदा आ रहा है। अजी सुनते हो पानी गंदा आ रहा है। और तो क्या हुआ, बर्तन ही तो धोने हैं। अरे पूजा पानी देना एक गिलास। अरे ये क्या मजाक है, मैं तो कह रही थी ना पानी गंदा आ रहा है। चलो देखो सब में गंदा पानी पड़ा हुआ है। तू जमा क्यों करके रखे, ढोलो ना इसे। अब पानी भी नहीं आ रहा है, टक्कर टंकी खराब हो गई है। करता हूँ प्लम्बर। अरे हाँ भाई क्या हाल है, देख यार भाई क्या हो गया। चलो चलो देखता हूँ। हाय हाय चल यहाँ पे हटिए जरा हटिए। क्या हुआ क्या हुआ? देखो भैया पानी नहीं आ रही है, और आ रही है तो गंदी आ रही है, जरा ठीक कर दो। अरे हाय चल गए। आइए बताएं तुम्हें गंदा पानी क्यों आ रहा है तुम्हारे। ये देख रहे हैं क्या हालत कर रखी है डस्टबिन की आप लोगों ने, ऐसे कैसे रहते हो यार। क्या डस्टबिन से पानी का क्या कनेक्शन भाई साहब? अरे ओ भाई हमको भी इतनी अकल है, डस्टबिन से पानी का क्या कनेक्शन है। पानी ये कूड़ा कहाँ जाएगा बताए आपको। आइए हम बताते हैं, बाहर आइए आप हमारे साथ। कहाँ जा रहे हो, क्या हाल कर रहा है? अरे दिखाइए हम बताते हैं तुम्हें क्या क्या हो रखा है। इधर आइए देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ये पाइप कहाँ जा रहा है सीधा, ये देख रहे हैं और ये कहाँ जाता है बताए तुम्हें। चलिए बाहर चले जरा, बाहर चले जाओ। अरे भैया ये कहाँ ले आए हो इतनी बदबूदार जगह पे। अरे भाई कहाँ ले आया है, ये है दिल्ली की यमुना। आइए। अरे कहाँ नाले में ले आया है ये नाला, देखिए हमारे घरों से जाता हुआ कहाँ जा रहा है, ये देखो सारा कचरा कहाँ जा रहा है देख रहे हो आप। तेरे से एक नल तो ठीक नहीं हुआ, नाले के पास लेके आ गया हमको, इसलिए लाया हूँ क्योंकि तुम्हें साफ पानी चाहिए ना। ये देखिए नाला, आइए इधर आइए इधर आइए। ये देख रहे हैं ये पाइपलाइन आप लोगों के घर में जा रही है, इसमें आज गंदा पानी जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जो घर में कचरा जमा कर रखा है ना, नालियों में जो फेंकते हो ना, नदियों में जा रहा है, पाइपों में जा रहा है। ना मशीन कुछ कर सकती है, ना सरकार कुछ कर सकती है। जब तक तुम लोग अपनी स्वच्छता ना रखोगे तो ऐसे ही होगा, एक दिन पानी के लिए तरसोगे। तुम्हारी पढ़ाई सब बेकार, जब तक स्वच्छ है नहीं है भारत तुम सब बेकार। स्वच्छता जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। स्वच्छता क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, हमारे प्रति कोई योगदान नहीं बनता। स्वच्छता जो हमारी गली मोहल्ले घर से शुरू होती है, वो साफ रहेंगे तभी हमारा देश साफ रहेगा। क्योंकि क्योंकि स्वच्छता का पहला कदम हमारे घर से शुरू होता है।